हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम दिखाने वाले हैं फिश एंड फ्लावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा वीडियो देखिए, ये हमने फिश पाल रखा है और एक्वेरियम है। देखिए यहाँ पे बड़ा सा एक्वेरियम था, लेकिन एक्वेरियम टूट जाने के कारण अभी इसमें फिश नहीं है, तब तक इसी में रखा गया है। कुछ दिनों में हम इसमें फिश को डाल देंगे रिपेयर करा करके, और तुरंत रिपेयर भी होने वाला है। तो देख सकते हैं और एक प्यारा सा स्टिकर हमने दीवार पर चिपका रखा है। ये हमारे फ्लावर हैं, हम अपने आज फ्लावर दिखा रहे हैं। पेटूनिया है और मैरीगोल्ड है। और ये देख सकते हैं, पेटूनिया फ्लावर है। तरह तरह के प्लांट हैं। धूप आ जाने के कारण वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है लगता है कि। देखिए पेटूनिया है, वाइट पेटूनिया है, और ये देखिए प्यारा सा कलर, स्टार कलर इस पेटूनिया बोलते हैं। अभी जो गमला देख रहे हैं ना, इसमें पूरा फ्लावर से भर जाएंगे गमला कुछ दिनों में। सीजनल प्लांट होता है, आप भी इसको लगा सकते हैं। और एक तुलसी पेड़ है, देखिए ये सभी प्लांट हैं। देखिए ये देखिए हाइब्रिड है, सोनपुर मेला से हम लोग खरीदे थे। गेंदा है, अरे पंसेटिया इसको बोलते हैं। ये सब सीजनल है, तो विंटर में ही इस तरह का कलर हो जाता है पत्ता का रेड। और ये देख सकते हैं आप, ये देख सो प्लांट है। अभी मैं वीडियो धूप में बना रहा हूँ, अभी 9:30 हो चुके हैं। और देखिए ये जितने भी हैं इसको एडेनियम बोलते हैं। छोटा छोटा पॉट में है। अगर आपको भी कोई प्लांट चाहिए तो नीचे कमेंट में आप हमें कमेंट करें। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो आपको हम दे देंगे, नहीं तो फिर हम ग्रो करके आपको देंगे। आपके प्यारा सा कमेंट का इंतजार रहेगा हम। और ये देखिए ये रोज, ब्लैक रोज है एंड व्हाइट रोज है। ये देखिए फॉक्सटेल पाम है, अक्सर पार्क वार्क में देखे होंगे, अब लगा रहता है। और ये पेड़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पीच का पौधा, इसको खाया जाता है। अभी देखो फूल फ्लावर लिए हुए हैं, कुछ ही टाइम में इस पर फ्रूट आ जाएंगे, और फ्रूट पकने के बाद हम लोग उसको खाते हैं। ये आंवला का पेड़ है और नारियल है, तो हर तरह के पेड़ हैं, सारे बोनसाई हैं पॉट में, सभी बोनसाई हैं। एरिका पाम है, आपको फिर बोनसाई दिखा रहे हैं। देखिए बोनसाई, देखिए पीपल का पेड़ है, इसको पॉट में ही रखा जाता है और साल में एक बार इसके रूट कटिंग होते हैं। इसको निकाल करके सारे रूट काट दिया जाता है कुछ छोड़ के, और फिर इसको पॉट में डाल दिया जाता है गमला में, और फिर
ग्रोथ होने लगता है, और एक कुछ ही दिनों के बाद, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद, एक बड़े से एक पीपल का आकार ले लेगा गमला में ही। आप बोनसाई सर्च करके देख सकते हैं किस तरह का बोनसाई होता है। ये सब देख सकते हैं आप, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। और देखिए एक नया सा पेड़ स्ट्रॉबेरी, इसमें देखिए फ्रूट कितने आए हैं, इसमें देखिए फ्रूट सभी स्ट्रॉबेरी है, पकने वाला है स्ट्रॉबेरी। बहुत सारे प्लांट है अभी देख सकते हैं अभी आप। इसी हम में हम लोग जो स्पेस है इसी में खेती भी करते हैं, सब्जी भी लगाते हैं। और चलिए आज हम सब्जी दिखा रहे हैं अपना। देखिए टमाटर है, गोभी का पेड़ है, देखिए इसमें पालक भी लगा है और गाजर भी है, गाजर का पेड़ है सब, कोरिएंडर, चुकंदर का प्लांट है। और एक नया प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं आज, आप गेस करके बताइए क्या प्लांट हो सकता है। देखिए इसके लिए बनाया गया है, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो इस पे जाएंगे। इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, और ड्रैगन फ्रूट पूरा ग्रो होने में 1 साल 2 साल का टाइम लग जाता है। और इसी यही ड्रैगन फ्रूट है, चार ड्रैगन फ्रूट लगा है चारों तरफ से। और देखिए एक टमाटर है, धूप आ गया है, और इसी में हम लोग खेती भी करते हैं सब्जी का। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लॉन्ग वीडियो हो गया है लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा। आपको प्लांट चाहिए तो कमेंट करिएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो हम आपको दे देंगे अगर पॉसिबल होगा, नज़दीक होंगे तो, नहीं तो फिर हम आपको ग्रो करके देंगे। चलिए ओके, थैंक यू।